ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। बात करते हैं कानपुर से बड़ी खबर की, जहां PSIT का एक छात्र नाले में गिरने की खबर है। शराब की दुकान पर ये छात्र शराब लेने गया था। सूचना के 3 घंटे बाद भी गोताखोर वहां पर नहीं पहुंचे। सचिन जी, पुलिस मौके पर मौजूद है। रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक उस छात्र का कुछ पता नहीं चल सका है। सचेंडी थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सचेंडी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। नाले में उतरकर ढूंढा जा रहा है छात्र को। छात्र के बारे में कुछ भी सुराग हासिल हो सके इस बारे में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक तो कोई सूचना छात्र के बारे में हाथ नहीं लग पाई है। अनुराग अग्रवाल हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, क्या कुछ सुराग छात्र के बारे में पता लग पाया है और किस तरह ये पूरी घटना घटी, बताएं। देखिए शिल्पा, पिछले 48 घंटों की अगर हम बात करें तो कानपुर में बहुत बारिश हो रही है और इसकी वजह से पूरे शहर में जगह जगह पानी भर गया है। ये भी PSIT जो कि एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, इसके पास का मामला है। सचेंडी थाना अंतर्गत यहाँ पर PSIT के अंदर हॉस्टल भी है जहाँ पे छात्र छात्राएं रहते हैं, और वहीं का एक छात्र था जिसके बारे में ये बताया जा रहा है, उसके साथ ही ये बता रहे हैं कि वो शराब लेने के लिए वहीं पास का एक जो शराब का ठेका था वहां पे गया था, और क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ था, उसके पीछे ठेके के पीछे जो नाला था उसमें भी पानी था और आगे सड़क तक पानी भरा हुआ था, तो किसी वजह से जब वो शराब लेने गया है तो उसी नाले में डूब गया, जिसके बाद जब काफी देर तक नहीं आया तो उसके साथी वहां पर आए उसको ढूंढते हुए, और फिर स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू किया, लेकिन काफी अंधेरा था, देर रात का मामला है, काफी अंधेरा भी था, पूरा पानी भरा हुआ है। अभी तक उस छात्र के बारे में कुछ पता शिल्पा नहीं चल पाया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन को रात को रोक दिया गया था और आज सुबह से फिर से उसको शुरू किया गया है। ऐसे में वहाँ अनुराग, पानी की निकासी के लिए किस तरह की व्यवस्था? देखिए शिल्पा, अगर हम कानपुर नगर निगम की भी बात कर लें तो एक तरह से पूरी तरह से लापरवाह नजर आई है, क्योंकि बरसात से पहले भी कोई भी इंतजाम नहीं किए गए थे, और ऐसा हर बार होता है कि जब बारिश होती है तो नगर निगम की तरफ के जो इंतजाम होते हैं वो इतने कम पड़ जाते हैं कि या तो मौतें हो जाती हैं या बहुत बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ती है शहर को, और इस बार भी कुछ ऐसा हो रहा है। पूरे शहर में पानी भरा हुआ है लेकिन निकासी का कोई यहाँ पे रास्ता नहीं दिख रहा है, और फिलहाल ये जो नाला है ये काफी बड़ा नाला है और इससे भी अभी तक पानी नहीं निकला है, और अब पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी तरह से। और नगर निगम की इसी लापरवाही का खामियाजा इस मासूम छात्र ने भुगता, जो शराब की दुकान पर शराब लेने तो गया था लेकिन वापस लौट कर नहीं आ सका, नाले में वो डूब गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है लेकिन अब तक कोई सुराग उसके बारे में हाथ नहीं लग सका है। बहुत शुक्रिया अनुराग अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों के साथ साथ इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं यूपी में महिलाओं पर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, मुजफ्फरनगर के चट्ठावल में एक नाबालिग लड़की के साथ है उसी के गांव के एक युवक ने जबरदस्ती रेप किया और मौके से फरार हो गया। पीड़ित ने आप बीती अपने परिवार में सुनाई तो पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुजफ्फरनगर से इस तरह से ये बड़ी खबर, नाबालिग के साथ रेप का मामला यहाँ पर सामने आया है और जो आरोप लगा है वो गांव के ही एक युवक पर लगा है। गांव के एक युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देकर युवक मौके से फरार बताया जा रहा है। पीड़ित के परिजनों ने थाने में तहरीर दे दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है और आरोपी युवक जो कि फरार चल रहा है उसकी तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। इस तरह से ये नाबालिग के साथ रेप का मामला, आरोप गांव के ही एक युवक पर, गांव के ही एक युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया है और वारदात को अंजाम देने के बाद युवक मौके से फरार भी हो गया। पुलिस तक जब ये पूरा वाकया पहुंचा तो जांच पड़ताल की बात अब पुलिस की तरफ से कही जा रही है, साथ ही फरार आरोपी युवक की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। और
और बात करते हैं अगली खबर की। रायबरेली में एक कपड़ा व्यवसायी के घर में बने गोदाम में आग लग गई और आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देरी से पहुंची, जिसके चलते लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वापस भेज दिया। और अब खबर गोंडा से, जहां पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जी हां, बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। चौक बाजार की तालाब गलियां जो है वो तालाब में तब्दील होती नजर आ रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पानी में घुसकर ही आने जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। इस बरसात ने नगर पालिका के दावों की भी पोल खोल कर रख दी है। पानी की निकासी के लिए नगर पालिका की ओर से कोई काम नहीं किया जा रहा और प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। पूरा शहर पानी पानी हो रहा है और बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की, बरसात के मौसम के लिए जो तैयारियां थी उनकी पोल खोल कर रख दी है। बारिश की वजह से कई स्थानों पर जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं लखनऊ में इंडिया वॉइस के संवाददाता मनीष कुमार मिश्रा ने लैकफेज के निर्विरोध निर्वाचित सभापति वीरेंद्र तिवारी से की खास बातचीत। इस दौरान वीरेंद्र तिवारी ने बताया कि उनकी प्राथमिकता लैकफेज को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। देखिए, हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो अब लैकफेड के निर्विरोध चेयरमैन निर्वाचित हो चुके हैं, बीरेन तिवारी जी से बातचीत करेंगे। बीरेन जी, आपको सबसे पहले बधाई लैकफेड चेयरमैन बनने के लिए। आप चुने गए हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण श्रम एवं विकास सहकारी संघ लिमिटेड का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया था। कार्यकर्ताओं के सहयोग के बल पर मैं आज निर्विरोध लैकफेड UPCLDS संस्था का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया हूं। इस संस्था में पिछली सपा बसपा सरकारों के समय में कागज पर ही कार्य होता था, कागज पर भुगतान होता था, कागज कार्य पूर्ण दिखाया जाता था, करोड़ों के घोटाले किए गए। इस संस्था के 3-3 चेयरमैन जेल गए, इस संस्था के GM जेल गए, इस संस्था के 17 इंजीनियर जेल गए। मैं इतना विश्वास व्यक्त करना चाहता हूँ आज आप बीच विषय रखते हुए कि पार्टी नेतृत्व ने संस्था के सुधार के लिए, शुद्धिकरण के लिए, भ्रष्टाचार सफाई के लिए, विकास के लिए, निर्माण के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी है, हम आने वाले समय में केंद्र की मोदी सरकार की योजनाएं, उत्तर प्रदेश श्री योगी जी सरकार योजनाओं द्वारा जो भी निर्माण विकास श्रम एवं सहकारी कार्य के लिए जो मुझे कार्य दिया जाएगा, समुचित ईमानदारी से, निष्ठा से, समयबद्धता से, गुणवत्ता के साथ इस संस्था के माध्यम से प्रदेश का विकास करने का प्रयास करूंगा। जैसा पार्टी नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया है उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र तिवारी जो लैकफेड के चेयरमैन बने हैं। अब उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो तमाम अनियमितताएं घोटाले हुए हैं, जो लोग भी लैकफेड के जाँच जो हो चल रही है CBI कर रहे हैं, दोषी होंगे उसमें उनका पूरा सहयोग होगा। लैकफेड को एक नए रूप में वो संवारने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन सुभाष भट्ट के साथ मनीष मिश्रा, इंडिया वॉइस लखनऊ। वहीं लखनऊ में खादी ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने इंडिया वॉइस के संवाददाता अखंड प्रताप शाही से की खास बातचीत। इस दौरान सत्यदेव पचौरी ने बताया कि खादी विभाग खादी पार्क बनाएगा, यूपी की खादी को वैश्विक बनाने के लिए खादी पार्क की स्थापना की जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश का खादी ग्रामोद्योग विभाग तमाम नई उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में है। हम जानने की कोशिश में इस समय आए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में खादी ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी जी से, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उपलब्धियां इस बीच में हासिल हुई हैं। देखिए, खादी ग्रामोद्योग विभाग उपलब्धियों की कोशिश में नहीं है, उपलब्धियाँ प्राप्त कर रहा है और निरंतर आगे बढ़ रहा है। अभी तक हमारे खादी बोर्ड का गठन नहीं था, गठन हो गया, सारे मेंबर आए, परिचय हो गया और इसी महीने मैं समझता हूँ कि हमारी बोर्ड की मीटिंग भी होगी और उसमें तमाम महत्वपूर्ण निर्णय जो बोर्ड न होने के कारण नहीं लिए गए वो भी लिए जाएंगे। उसके अलावा
खादी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़े और वो भी अच्छी क्वालिटी की खादी, उसको बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है वो हम करेंगे। चूँकि 150वीं गांधी जी की जयंती है इस वर्ष, इसलिए हमने कुछ कार्य योजनाएँ बनाई हैं, जो आज की मीटिंग है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसमें मैं रखूँगा और उसमें मेरा प्रयास है कि आप खादी जो बने 16 चरखे से। 1 अगस्त को भारत के खिलाफ इंग्लैंड खेलेगा अपना 1000वां टेस्ट मैच, यानी कि आज ये टेस्ट मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड की पुरुष टीम भारत के खिलाफ से खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में 1000 टेस्ट मैच का आंकड़ा छूलेगी। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी कि ECB को बधाई दी है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच एजबेस्टन में आज से शुरू हो रहा है। टेस्ट के इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली टीम इंग्लैंड है। अभी तक खेले गए 999 टेस्ट मैचों में से इंग्लैंड ने 357 मैच जीते हैं, जबकि 297 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और 345 मैच ड्रॉ रहे हैं। इंग्लैंड ने अपना पहला टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार्च 1877 में खेला था।